सबसे पहले मैं लाइव ग्लोबल चैनल के सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि नए वर्ष पर आप सभी लोग सभी बिहार वासियों को शुभकामना देती हूँ। लाइव ग्लोबल 18 न्यूज को मैं न्यू ईयर और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम मौसम शर्मा, मेरे तरफ से पूरे भारत वासियों को क्या पूरे वर्ल्ड को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं कल्पना पटवारी और लाइव ग्लोबल न्यूज के माध्यम से मैं सभी को नए नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं बबीता मिश्रा, लोक गायिका, आप सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूं। मैं लाइव ग्लोबल 18 न्यूज को दिल से धन्यवाद देती हूं। इनके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ देखिए, पहले एजुकेशन का जो टेंस था, हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो था, बहुत पुराने टाइम से अगर हम चलते हैं, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को, स्टूडेंट को दिए जाते थे। लेकिन ये बीच का जो टाइम था, काफ़ी कुछ साल का, एजुकेशन जहाँ से आया, वेस्टर्न से जो एजुकेशन सिस्टम आया, उसमें हमने अपने देश में देखा कि किताब के नॉलेज को, उसी को प्रायोरिटी और मुख्य धारा एजुकेशन का मान करके चलता गया। एजुकेशन का सिस्टम मुख्य रूप से बुक रहा, टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, जो पाठन पाठन जगह है किताबें पढ़ते थे। लेकिन आज के समय में एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ करके पूरी नहीं हो सकती है। जो क्लास का, स्कूल का, कॉलेज का स्टडी है, उसके साथ स्पोर्ट्स, गेम्स एंड कल्चर एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके स्कूल में जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए आगे चल के आप क्या कर रहे हो? और हमारा अभी जो आपने देखा, मुख्य रूप से दो गेम को लेकर के ये प्राइज सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज क्रिकेट एंड कबड्डी। तो हमारी टीम भी है और इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, अब और फोकस करेंगे। बहुत अच्छे क्रिकेट कबड्डी हमारे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, तो क्रिकेट का अच्छा टीम होगा, कबड्डी का टीम होगा, कबड्डी का बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों सेक्शन में टीम होगा एंड क्रिकेट बॉयज़ टीम होगा, और इस पर लगातार हम लोग वर्क करते रहेंगे। सबसे पहले अपना बचपन याद आ गया कि हम भी जब 6-7 साल के थे तो क्रिकेट स्टार्ट किए थे, तो ऐसा फंक्शन में आने पे आज बहुत अच्छा लगा।
और अपना दिन याद आ गया कि हम जब ऐसे ही छोटे छोटे थे तो हम क्रिकेट स्टार्ट करते थे, और आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले जब हम स्टार्ट किए थे गेम, तो ये फैसिलिटी नहीं था, हमको स्कूल कभी फैसिलिटेट नहीं किया, पेरेंट्स नहीं आते थे, मतलब खुद से जाना और स्ट्रगल करना। आप समझ सकते हैं कि 20-25 साल पहले क्या सिचुएशन था, इन्वायरमेंट क्या थी बिहार में उस टाइम में खेलना। तो यहाँ पे लगा कि बहुत इन बच्चों का थोड़ा सा इनकरेज कर दिया जाता है, ये बच्चे बहुत आगे निकल सकते हैं, तो अच्छा लगा आकर इस फंक्शन में। अगर बच्चे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनको किसी बिहार लेवल तक भी ले जाने का कोई व्यवस्था है? देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स में बिहार में स्कोप है। एग्जांपल, गवर्नमेंट भी नौकरी दे रही है, सिर्फ स्टेट ही नहीं, सेंट्रल डिपार्टमेंट भी नौकरी देती है, रेलवेज, एयर इंडिया, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, हम खुद क्रिकेट से स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो स्कोप तो है। लेकिन वही है कि बच्चों को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम अगर एक एम लेकर चलेंगे तभी हम उस चीज़ पे आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत एकेडमीज़ में उनको, अगर जो बच्चे आगे निकलना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, जैसे हम क्रिकेट से हैं, तो अगर क्रिकेट में कोई बच्चे हमको ऐसे लगते हैं, हम सर को मैडम को भी बताए हैं, अगर कोई बच्चे वैसा खेलना चाहते हैं तो हम लोग उनको आगे एकेडमीज़ में ले जाएंगे। प्लस अगर वो एकेडमीज़ में अच्छा करते हैं, लीग मैचेस खेलते हैं, स्कोर करते हैं, हम लोग को लगता है कि वो आगे जा सकते हैं, तो नेचुरल है उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक ले आएंगे और फिर आगे भी उनके लिए कोशिश करेंगे। फिनेंशियली वीक बच्चों का भी कोई? और देखिए, लोग टैलेंट तो रखते हैं बट पैसे की कमी की वजह से इस खेल के आगे खेलते खेलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उन लोगों को भी आप किस तरह से इंकरेज करते हैं क्या किसी संस्था के थ्रू? देखिए, पिछली बार शायद आप लोग स्पोर्ट्स में जुड़े हैं तो याद होगा कि हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं, एक राजेंद्र प्रसाद सिंह वुमेंस क्रिकेट लीग कराए थे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी गरीब लड़कियों को, एक गूंज या फिर बहुत सारा ऐसा संस्था है जो लड़कियों के लिए करना चाहती है, तो उन लोगों के थ्रू हम लोग कुछ कुछ बच्चों को मतलब प्रोत्साहन के लिए दिलवाए थे, या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे लड़कियों को खुद से संस्था पकड़ने पर, तो फिर वो हो जाता ना कि आप संस्था के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद से कोशिश करते हैं कि उनको खुद मतलब अपनी तरफ से जो भी प्रोवाइड करा सके या कुछ कर सके तो करते हैं। तो अगर वो आना चाहते हैं मेरे तक, हम उनको हर स्पोर्ट्स में कोशिश करेंगे कि मदद कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम शिखा सोनिया हुआ। हम 1994 to 2006 जब बिहार टीम हुआ करती थी, झारखंड नहीं डिवाइड था तो हम खेला करते थे, उसके बाद अभी बिहार टीम में हम कोच हैं और सेलेक्टर, लास्ट पिछले 2 साल पहले सेलेक्टर थे, अभी करंट एज ए कोच टीम के साथ हैं, और हम NCAA लेवल एक कोच भी हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो कि अभी फ़िलहाल VBS लक्ष्मण उसको देख रहे हैं। और सर, थैंक यू सर।